हम खड़े हैं इस समय इटावा जनपद के एकदिल थाने में, जहाँ पर ये आप पीछे देख रहे होंगे ये जो नव निर्माण भवन बन रहा है, ये कोई नव निर्माण भवन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को रहने के लिए पुलिस क्वार्टर्स बन रहे हैं, पुलिस के रहने के लिए पुलिस भवन बन रहे हैं। और आज हम इसका रियलिटी चेक करने आए हैं कि एक्चुअल में इसमें जो मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है वो मटेरियल किस तरीके का है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो ईंटों की जो देख रहे हैं, जो ईंटों की खेप देख रहे हैं, इसमें हम दिखाएंगे कि ईंटें किस तरीके की क्वालिटी की ईंट है, इसकी क्या गुणवत्ता है, क्या यो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो ईंट का प्रयोग किया जा रहा है क्या वही है या कुछ और, हम आपको दिखाएंगे। ये हमने आपके सामने ये एक ईंट ली हुई है और ये ईंट एक अब्बल ईंट है जो कि ठेकेदार द्वारा बताया गया है कि ये एक पूरी एक नंबर की ईंट है। हम इसको बताएंगे कि ये कैसी ईंट है। ये आपने देखा कि ये ईंट चूर चूर हो गई, बिखर गई। दूसरी भी ईंट लेते हैं हम, आपको आप बताएं, हम यहीं से एक ईंट उठा लेते हैं, इसको भी हम देखेंगे कि क्या ईंट है। इसको ये आप देखिए, पूरी ईंटों की जानकारी जैसे आपने के लिए, ये बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का मटेरियल है। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये सरिया पड़ी हुई है। हम लोग एक छोटी सी किचन की स्लैब भी बनाते हैं, उसके लिए भी कम से कम 6 सूत की सरिया का यूज़ करते हैं, लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे कि एकदिल थाने में जो सरिया का यूज हो रहा है वो ये सरिया है। और आपको हम आगे चल के दिखाएंगे कि जो लेंटर में प्रयोग होने वाली सरिया है या जो भी और कुछ है वो ये सरिया है, इसका प्रयोग एकदिल थाने में हो रहा है। अब आगे की पड़ताल जो है वो हम लोग इस भवन में ऊपर चल के करेंगे, ऊपर बताएंगे हम आपको कि क्या है पड़ताल। हम आ गए उसी बिल्डिंग में ऊपर के तल पे जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। और हम आपको बता दें जो इस बिल्डिंग में सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है वो ये सीमेंट है चेतक का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की माने तो इसमें 1 लाख सीमेंट लगता है। यह सीमेंट पूरे इटावा में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन यह सीमेंट इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में प्रयोग किया जा रहा है। हम आ चुके हैं इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर तल पर, यहाँ पर छत का है और छत के साइड में बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर लेबर भी है और पूरे सभी लोग इस बिल्डिंग से निर्माण से संबंधित सभी लेबर मिस्त्री मौजूद हैं। बताएंगे ये वही ईंट है जिसका डेमो हमने अपने दर्शकों को नीचे दिखाया था, ये वही ईंट है जो कि प्रयोग में लाई जा रही है। हम इस ईंट को भी दिखाएंगे कि ये किस तरीके की ईंट है। ये ईंट है और इसको हम दिखाएंगे आपको कि ये ईंट कैसी है। ये ईंट है जिससे इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। हम दिखाएंगे, हमारे पास यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं जो इस बिल्डिंग को बनवाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। वैसे सुपरवाइजर नहीं हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा आयुष तोमर नाम है। आयुष जी, प्रॉपर तरीके से मैं सुपरवाइजर नहीं हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं काम देखने सिर्फ ऐसे ही आया हूँ। आप काम देख रहे हैं? आप काम देख रहे हैं, यहाँ के आज के आप इंचार्ज हैं। जो इसमें मटेरियल लग रहा है, अभी मैंने आपके सामने ईंट तोड़ी है, क्या अब्बल ईंट टूटती है इतनी आसानी से? ये अब्बल ईंट नहीं टूटती ना, ये ईंट लेकिन टूट रही है। मालूम नहीं भैया, ये तो नहीं जानकारी है ना हमें इतनी। इस बिल्डिंग को बनाने वाले ठेकेदार का क्या नाम है? सक्सेना जी नाम है। क्या नाम? राजेश सक्सेना। राजेश सक्सेना, कब से ये काम चल रहा है? ये नहीं मालूम ना, मैं बता तो रहे, हम तो अभी आए ना, 5-6 दिन हुए। सीमेंट कौन सा प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर? ये ACC सीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ये चेतक सीमेंट है, वहाँ पर भी चेतक सीमेंट खुला पड़ा है, ये चेतक सीमेंट कहाँ से आपने खरीदा है? चेतक मालूम नहीं, अभी दुकान से कहीं से लिया है इन्होंने। कौन सी दुकान से खरीदा, किसने खरीदा है? जो ठेकेदार हैं वो मंगाते हैं ना सीमेंट। पूरे इटावा जनपद में चेतक सीमेंट नहीं आता है, 1 क्लास सीमेंट आना चाहिए, लेकिन ये इसके बारे में जानकारी नहीं है ना, बता तो रहे हम। राजेश सक्सेना ठेकेदार जी। तो जैसा कि आपने देखा, राजेश सक्सेना एक ठेकेदार साहब हैं जो पुलिस की लाखों, प्रदेश की पुलिस की लाखों जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने आपको अभी ईंट का डेमो दिखाया इस तरीके से। जब ये कभी ये बिल्डिंग गिरेगी या अप्रिय घटना होगी तो किस कद्र की घटना होगी, ये आपकी और हमारी सोच से परे है। इटावा से भारत 24 के लिए आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।